गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक साइकिल है जो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स में मंथली रेगुलेट होती है। ये एक साइक्लिक मैनर है जिसमें हर मंथ एक एग जो है वो मैच्योर होकर के ओवरी से रिलीज होता है और अपनी प्रेगनेंसी की ओर प्रोग्रेस करता है। अगर वो प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं करता है तो वो एग जो है वो डिजनरेट होकर के बॉडी से थ्रू ब्लीडिंग पास आउट हो जाता है। ये जो पूरी साइकिल है ये कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरली ये साइकिल जो होती है ये 28 डेज की होती है। थोड़ा बहुत डिफ़र करती है प्लस टू माइनस टू, अदरवाइज़ ये जनरली जो ये साइकिल होती है ये 28 डेज की होती है। ये डेज यहाँ पर लिखे गए हैं 1 to 28, ये पूरा वन साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। 28 डेज में पूरी एक फुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोनल चेंजेस, जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है इसमें भी आपके बहुत सारे सेवरल चेंजेस होते हैं, और इसमें हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अलग अलग फेजेस में समझाया गया है। इस फेज में ये जो ये वाला फेज है, इस फेज में टोटल आपका जो यूट्राइन में यानी यूट्रस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये यूट्रस की जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम को दिखाया गया है। और ये वाला फेज जो है ये आपका ओवरी में जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है और उसका ओव्यूलेशन हो रहा है, इसमें इस इवेंट्स को दिखाया गया है, और ओवरी से कैसे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है इसको दिखाया गया है। और जो इसके अलावा जो बॉडी में आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन के जस्ट बीनेथ, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके दो हार्मोन्स FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स सिक्रीट करती है। इनका फ्लक्चुएशन भी इस वाले फेज में दिखाया गया है। ये फेज जो है ये आपका पिट्यूटरी वाले जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उस फेज को दिखा रहा है। अब सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि जो आपका जैसे ये साइकिल स्टार्ट होती है जब आपका फर्स्ट जो पूरी जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फीमेल्स में, ये ठीक उसी दिन से ये साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाती है। मान लो आज फर्स्ट को ब्लीडिंग का फर्स्ट डे है, तो ये यहाँ पर देखिए मीनासिस दिखाया गया है। मीनासिस मतलब ये ब्लीडिंग पीरियड होता है। ओवा जब आपका जो ओल्ड ओवा है वो जब आपका बॉडी से पास आउट होता है तो वो पास आउट थ्रू ब्लड बॉडी से पास आउट किया जाता है। तो ये आपका मेनिसिस जो है स्टार्टिंग के जो है 3 to 5 डेज, जनरली 3 डेज जो है ब्लीडिंग होती है, तो ये उसी मेनिसिस यानी ब्लीडिंग वाली ड्यूरेशन को दिखा रहा है। अब यहाँ से आपका ब्लीड चूँकि स्टार्ट हो गया है यानी ओवा वो आपका बॉडी से पास आउट कर दिया गया है, तो एक नेक्स्ट ओवा उसी डेट से आपका आगे मैच्योरेशन की ओर डेवलप करता है। ये आपका ओवरी से रिलीज हुआ एक ओवा है, सॉरी ओवरी से अभी रिलीज नहीं हुआ, ये ओवरी में ही डेवलप कर रहा है। यानी कि अब ये जो एक प्राइमरी आपका जिसको फॉलिकल बोलते हैं, तो ये फॉलिकल डेवलप करता है और डेवलप करके एक मैच्योर, ये प्राइमरी फॉलिकल है मैच्योर्ड हुआ थोड़ा सा और, देन आफ्टर एक मैच्योर्ड फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तो ओवरी से आपका ये थ्रू ओवुलेशन रिलीज हो जाता है। ये आपका ओवरी है, ओवरी से एक ओवा जो है ये रिलीज हो गया, यानी ये ओवरी की बॉडी की सरफेस, ओवरी की सरफेस पे आ जाता है। जब ये ओवा रिलीज होता है तो इस ड्यूरेशन को इसको बोलते हैं ओवुलेशन। ये आपका जनरली जो टोटल साइकिल होती है उसका जब मिड होता है, मान लो 28 डेज की साइकिल है तो इसका जो मिड होता है 14, तो 14 वाली डेज को ही ये ओवा रिलीज होता है। अब ये ओवा रिलीज हुआ और आगे फर्टिलाइजेशन की ओर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाएगी, तो फिर
जब प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर कंटिन्यू होती नहीं होती, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर आपका जो गेस्ट्रेशन पीरियड में ही आपका जो एम्ब्रायो है वो डेवलप करता है। अगर ये प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं होती है तो फिर आपका यहाँ से नेक्स्ट जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवा रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद एक जो आपका ब्लैंक स्पेस हो जाती है वो आपका कहलाती है कार्पस ल्यूटियम। जिस जगह से ओवा रिलीज हो जाता है वो पूरी रप्चर्ड सेल्स का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे आपका डीजनरेट हो जाता है। अब जब ये फर्स्ट डे से ओवा रिलीज हुआ यहाँ तो आपका स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जब ये ओवा यहाँ से डेवलप करता है उसके साथ ही देखिए ये आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है इसकी जो इंटरनल सरफेस है ये भी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। यानी थोड़ा सा ये अपने इसमें आपका जो कैपिलरी रिएक्शन है ब्लड कैपिलरीज फिल्ड हो जाती है और इसका एंडोमेट्रियम और डेंस हो जाता है, ये बढ़ने लगता है। और ये आफ्टर ओव्यूलेशन देखिए ये अपने एकदम पीक पे आ गया है, यानी ये अपनी सरफेस को इतना मजबूत कर लेता है कि अगर प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाए तो फेलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो हमारा जाइगोट है वो नीचे यूट्रस में आता है। तो यूट्रस की वॉल जो है वो पहले से ही इतना डेवलप हो जाती है कि अगर वो डेवलप करता हुआ जाइगोट आता है तो ये उसकी सरफेस से अटैच हो सके और उससे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। अगर प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं होती है तो फिर ये अपना वापस जो अपनी ओल्ड जगह थी यानी एक अपनी जो ओरिजिनल जगह थी उसी जगह पर ये वापस फिर कंटिन्यू हो जाती है, अदरवाइज ये फिर आगे फिर इम्प्रूव करेगी। अब यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस को देखिए, जो हार्मोन्स हैं जब पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम पर जो हार्मोन्स हैं दो, एक है एस्ट्रोजन दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन। ये एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन्स है तो ये नॉर्मल लेवल से चलता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन होता है तो ये अब पीक पे आ जाता है, यानी ये बिल्कुल जर्क करता है और पीक पे आ जाता है, यानी यहाँ पर इसका मैक्सिमम सिक्रीशन ग्लैंड्स के थ्रू होता है और ओव्यूलेशन के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा कार्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने में भी ये हेल्प करता है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, देन आफ्टर ये फिर उसी रेशियो में अपनी ओल्ड जो स्टेज थी उसी पर चला जाता है। दूसरा जो आपका हार्मोन्स है प्रोजेस्ट्रॉन जो सिक्रीट होता है वो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, तो आपका ये भी नॉर्मल लेवल से चलता है, ओव्यूलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चूंकि सिक्रीट होता है कार्पस ल्यूटियम से इसी वजह से इसका जो पीक है वो कार्पस ल्यूटियम जब फॉर्म्ड हो जाता है क्योंकि इसी से हार्मोन सिक्रीट होगा, तो यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में चूंकि हेल्प कर रहा है तो यहाँ पर इसका ये पीक हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा इसका जो आपका रेशियो है वो भी डाउन होता चला जाता है। अब बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पिट्यूटरी है ये भी अपना हार्मोन सिक्रीट करती है और इनका भी अहम योगदान है। इसमें आपका जो पहला हार्मोन सिक्रीट होता है वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये हार्मोन देखिए आपका सिक्रीट हो रहा है। उसके बाद ओव्यूलेशन के टाइम पर ये आपका एकदम पीक पे आ जाता है, देन आफ्टर ये फिर अपनी ओरिजिनल जो रेशियो है उसी पर कंटिन्यू हो जाता है। दूसरा जो आपका हार्मोन्स है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी आपका ओव्यूलेशन के टाइम पर पीक पर रहता है और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों हार्मोन्स जनरली एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए चलते हैं और इनकी जो पीक स्टेज है वो केवल ओव्यूलेशन के टाइम पर ही आती है। अब ये जो आपका साइकिल है ये फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी जब वो उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी की एज आ जाती है 11 से 12 13 साल की एज में तब ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होती है और ये लगभग आपका 48-50 की एज के बाद ये लगभग स्टॉप हो जाती है। 48 तक ये स्लो होती है मतलब इम्बैलेंस करती है
फिर उसके बाद ये धीरे धीरे 50 के आसपास बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो स्टार्ट जब होती है तो ये प्यूबर्टी की एज से, और जब ये स्टॉप हो जाती है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज जो है, मीनोपॉज का मतलब है कि आपकी जो फीमेल्स की जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कम्प्लीटली स्टॉप हो गई, यानी अब ये नहीं आएगी। एक एज है 50 के आसपास, ये फिर धीरे धीरे फ्लक्चुएट होती है, उसके बाद कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो जब स्टॉप हो जाती है वो एज कहलाती, वो आपका सिचुएशन कहलाती है मेनोपॉज। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि इसमें आपका ये यूटराइन यूट्रस का इवेंट था, यानी यूट्रस के जो इंटरनल वॉल थी, इसमें आपका जो फ्लक्चुएशन होता है ड्यूरिंग साइकिल। अब इसमें जो ब्लीडिंग होती है, ये ब्लड कहाँ से आता है? जब प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं होती है, ओवा जनरली फैलोपियन ट्यूब में 24 हावर्स तक लाइव कंडीशन में रहता है, यानी 24 हावर तक वो योग्य होता है कि उस पर मार्क करके उसको फर्टिलाइज कर सके। आफ्टर 24 आवर या लगभग 48 आवर ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय का मतलब है अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है। तो फिर धीरे धीरे करके ये वापस फैलोपियन ट्यूब से आपका यूट्रस तक आता है, और यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल्स की जो सरफेस है, यहाँ से आपका जो सरफेस है ये रप्चर्ड हो जाती है, फटती है, और इसी से आपका म्यूकस और ब्लड जो है वो सिक्रीट होता है। उसी के थ्रू वेजाइना से जो आपका डिजनरेट या आपका जो है अनयूज्ड जो आपका ओवा था, ये उसी ब्लड के थ्रू हमारा थ्रू मेनाज ये बाहर आ जाता है। यानी ब्लीडिंग पीरियड के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है, तो ये उसी के दौरान ये हमारा जो अनयूज्ड ओवा है ये बाहर आ जाता है। तो ये था आपका सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।